नमस्कार, वेलकम बैक टू एनके मिश्रा क्लासेस एंड एनके टेक स्किल्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर टू विलेय। तो जैसा कि इसके पहले भी हम इसमें वास्तुदा में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन संबंधी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो ये सब परिवर्तन होते हैं। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे आज परासरण, दैट इज ऑस्मोसिस, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर एंड प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम परासरण की, दैट इज ऑस्मोसिस। तो परासरण ऑस्मोसिस एक ऐसी घटना है जब हमारे, अगर हम कोई दो विलयन लें, एक तनु हो एक सांद्र हो, तो जो विलायक के अणु होंगे वो स्वतः रूप से तनु से सांद्र की तरफ गति करेंगे, स्वतंत्र रूप से तनु से सांद्र की तरफ गति करेंगे। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधों में, जंतुओं में या जीव जंतुओं के आमाशय में व विभिन्न जैविक परिवर्तनों में यह घटना स्वतः ही होती है, इसे हम परासरण कहते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज़ ऑस्मोसिस, यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है, दैट इज अर्धपारगम झिल्ली, कि परासरण के दौरान मध्य में एक अर्धपारगम झिल्ली होती है जिससे हमारे विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर या विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं, परंतु विलेय के अणु गति नहीं करते हैं। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। इसमें अर्धपारगम झिल्ली बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या SPM शॉर्ट में कहते हैं। यह सामान्यतः जीव जंतुओं के आमाशय में पाया जाता है, जिसमें हमारे जो विलायक के कण होते हैं छनकर बाहर निकलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं किडनी में जल का छनना, फलों के छिलके, अगर हम फलों की बात करें उनके छिलके में प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो अंडे की परत, यहाँ पे अंडे की परत से अंडे के छिलके की बात नहीं हो रही है, अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो अंडे को अगर जब छिलका छिला जाता है तो छिलके के नीचे एक बारीक पतली सफ़ेद परत होती है जो हमारी SPM होती है। अगर उस परत को आप ऊपर की कैल्शियम कार्बोनेट की परत को निकालकर अंडे को अगर नमक के पानी में डाला जाए तो वहाँ पे क्या होगा, नमक का पानी ज़्यादा सांद्र होगा और अंडा कम सांद्र, और वह अंडे का विलयन बाहर नमकी पानियों की ओर गत करेगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अंडा सिकुड़ जाएगा, और वह उसे नॉर्मल जल में डाला जाएगा तो अंडा फूल जाएगा। दूसरा होता है चर्म, जैसे सभी प्रकार के चमड़े समान रूप से प्राकृतिक रूप से हमारे अर्धपारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे अगर आप खारे पानी में अगर नहाएं तो आपकी स्किन सिकुड़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, खारे पानी की सांद्रता ज़्यादा होती है और आपकी स्किन के अंदर जो वाटर लेवल है उसकी सांद्रता कम होती है, जिससे समान रूप से जो आपके शरीर के अंदर का जल है वो बाहर खारे पानी की ओर गति करता है। यह घटना भी हमारी अर्धपारगम झिल्ली के कारण संपन्न होती है। दूसरा बटर पेपर, जो माखन और बटर बिकते हैं, तो बटर एक पेपर के ऊपर कागज को लपेटा रहता है जो कि एक अर्धपारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट वन सेलुलोज एस्टेट या कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है जो प्रयोगशाला में उपयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर परासरण होता क्या है, परासरण होता क्या है। एक यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो विलयन है, एक ए है एक बी है, ए हमारा तनु है बी हमारा सांद्र है। हम तनु सांद्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समानता अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे कौन से अणु गत कर रहे हैं और किधर से किधर। तो समानता तनु को आप विलायक भी कह सकते हैं, जैसे जल और ग्लूकोज का अगर विलयन कहा जाए तो वहाँ पे जल विलायक होगा और ग्लूकोज विलेय होगा, और उसी का हम अगर तनु की बात करें शुद्ध जल कह सकते हैं, और सांद्र की बात करें तो ग्लूकोज इसमें ज़्यादा मात्रा में खुला है। तो अगर हम ए व बी दो फिगर्स को इस प्रकार देखें, बीच में हमारी SPM है, एक अर्धपारगम झिल्ली, इस प्रकार अगर इनको रखा जाए तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे जो विलेय के कण हैं विलायक इस ए फिगर में बहुत कम मात्रा में है, अर्थात यह तनु है इसकी सांद्रता कम है। बी फिगर में हमारे विलेय के कण ज़्यादा है, अर्थात यह सांद्र है या इसे हम विलयन कह सकते हैं। तो SPM से झिल्ली से अगर सेपरेट करके दोनों को रखा जाए तो जो हमारे विलायक के अणु होंगे, जैसे अगर ये जल व ग्लूकोज का विलयन है, तो विलायक के अणु में जल स्वतंत्र रूप से ए से बी की तरफ या तनु से सांद्र की तरफ या विलायक से विलयन की तरफ स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं ए से बी की तरफ हमारा विलायक गति कर रहा है, और यह तब तक गति करेंगे जब तक दोनों में एक साम्य ना हो जाए। साम्य समझ लें, जैसे मान लीजिए प्रति लीटर में 10 अणु अगर हम
नॉर्मल समझने की बताया, प्रति लीटर में 10 अणु यहाँ पे ग्लूकोज के हैं और इधर 100 अणु है, तो तब तक गति करेंगे जब तक दोनों विलयनों में एक साम्य स्थापित न हो जाए और दोनों में अणुओं की मात्रा समान हो जाए। तो इस प्रकार तनु विलयन से साम्य विलयन की तरफ विलायक के अणुओं की गति को हम परासरण कहते हैं। ध्यान देने वाली बात, बीच में हमारी SPM होगी, अर्धपारगम झिल्ली, और यहाँ पे विलेय के अणु गति नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ विलायक के अणु A से B की ओर गति करेंगे और विलेय के अणु गति नहीं करेंगे। यह होती है घटना अर्धपारगम झिल्ली से, इसमें विलायक के कण या अणु जो छोटे होते हैं जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण या अणु जो कण बड़े हैं वो नहीं जा सकते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परासरण, जिससे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, आप इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम फलों की बात करें तो आपने किशमिश और अंगूर दोनों देखा होगा, तो किशमिश या उसकी जो बाहरी छिलका होती है वो अर्धपारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। अगर आप किशमिश को पानी में भिगो दीजिए वो फूल जाएगा, क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर सांद्रता ज़्यादा थी और जल हमारा विलायक था, उसकी सांद्रता कम थी। तो स्वतः जब उस किशमिश को हम पानी में डाला गया तो जल विलायक की सांद्रता कम थी और विलायक के अणु किशमिश के अंदर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगे, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, परासरण। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हम अंगूर लें, अंगूर को एक खारे नमक के पानी में भिगो दीजिए, थोड़ी देर बाद अंगूर सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अंगूर की सांद्रता कम थी और जल की सांद्रता ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें नमक घोला गया था ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे अंगूर से उसके जल पानी की तरफ या जो जली नमकीन जली विलयन था उसकी ओर गति करने लगेंगे। यह घटना भी हमारी कहलाएगी परासरण, राइट। तो ये हमारे परासरण के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है परासरण दा। तो ये हमने परासरण समझा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलायक से विलयन की ओर गति या तनु से सांद्र विलयन की ओर गति को हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। सेकेंड वन परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर। अब अगर हम कुछ ऐसा देखें कि अब विलायक की अणुगति तो कर रहे हैं, इनकी गति को अगर रोका जा सके, इनकी गति को अगर रोका जा सके तो इस घटना को हम कहेंगे परासरण दाब। इनकी गति को हम कैसे रोकेंगे ये देखना होगा। जैसे हमने देखा कि दाब बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, अगर कोई चीज़ गति कर रही है उस पर हम कोई दाब लगाए तो गति रुक जाएगी। वही देखते हैं कि इस गति को कैसे रोकेंगे। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे गति कर रहा है, तो अब अगर हमारे ए से बी की ओर गति कर रहा है, अर्थात अगर हम बी पे दाब बढ़ाएं या दूसरी भाषा में विलयन पर एक दाब लगाएं, सामान्य अवस्था में दोनों पे वायुमंडलीय दाब है, अगर हम विलयन पे एक दाब लगाएं तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे विलायक के अणुओं का ए से बी में आना कम होता जाएगा, और एक निश्चित अवस्था पे दाब लगाने पर विलायक के अणुओं का विलयन में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस दाब को ही हम कहेंगे पाइक, या वह न्यूनतम आवश्यक दाब जिसको विलयन में लगाने पर विलायक के अणुओं का स्वतंत्र रूप से विलयन की तरफ आने का क्रम या उनकी गति बंद हो जाए, वह न्यूनतम आवश्यक दाब, उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि पाई या परासरण दाब यह हमेशा विलयन की तरफ लगाया जाता है, या दूसरी भाषा में सांद्र विलयन की तरफ, क्योंकि विलायक से विलयन की ओर गति हो रहा है। तो अगर हम विलयन पर दबाव बढ़ाएंगे तो उस प्रेशर के कारण जो विलायक के अणु है वह तनु से सांद्र की तरफ आना बंद हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे विलायक के अणुओं की संख्या विलयन की तरफ जो आ रही है वो कमी आएगी, और एक निश्चित अवस्था जब जो समस्त विलायक के अणु है जो विलयन की तरफ आ रहे थे उनके आने का क्रम बंद हो जाएगा, इस घटना को हम बोलेंगे परासरण दाब। पाई जहाँ पे पाई प्रोपोर्शनल टू CNT, पाई विलयन की मोलरता और विलयन के ताप पर निर्भर करता है। पाई प्रोपोर्शनल टू CNT, सी वहाँ पे सांद्रता है, मोलरता है, हाँ, जिसको नियतांक R यूज किया गया है, जहाँ पे R क्या है हमारा, R एक गैस नियतांक है, 0.83 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यह फिक्स मान R इज 0.083 नियतांक यूज किया जाता है। तो पाई बराबर CRT, पाई जहाँ पे क्या है, परासरण दाब, मात्रक होगा बार, सी सांद्रता, आर गैस नियतांक और टी ताप केल्विन। तो पाई बराबर CRT परासरण दाब। तो हम परासरण दाब वह न्यूनतम आवश्यक दाब जिसको विलयन की में लगाने पर परासरण की घटना रुक जाए या विलायक के अणुओं का
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करना बंद हो जाए, इस घटना को हम कहेंगे पराशर दाब या वह न्यूनतम आवश्यक दाब पराशर दाब कहलाएगा। तो यह था हमारा पराशर दाब। हाँ, अभी खास बात हम सी जानते हैं, सी बराबर मोलरता है सांद्रता है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सी मोलरता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय होगा विलेय की मात्रा ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान, आप उस प्रकार की यूज कर सकते हैं, या पाई बराबर एन टू विलेय की मोलों की संख्या अपान बी आयतन लीटर में, ये मोलरता हो गया आर टी। तो पाई बराबर एन टू अपान बी आर टी जो सिंबल्स है, इसके लिए हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि सिंबल्स को हम कैसे पहचाने, कब एन टू लिखना है कब एन वन लिखना है। तो याद रखें एन टू हमारा विलेय के मोलों की संख्या के लिए लिखा जाता है, एन वन लिखा जाता है विलायक के मोलों की संख्या के लिए, वो हम पहले की वीडियोज में बता चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो पाई बराबर एन टू अपान बी आर टी, यही हमारा क्या हो गया, परासरण दाब हो गया। तो हमने देखा परासरण पराशर दाब, इसमें हमारे अल्पारण झिल्ली के बारे में बताया। नेक्स्ट वन हमारा आता है प्रतिलोम पराशरण, प्रतिलोम रिवर्स। तो हम समझते हैं कि अगर पहले तुमने देखा पराशरण हो रहा है, फिर उस पर हमने न्यूनतम आवश्यक दाब लगाया, पराशरण की घटना बंद हो गई या पराशरण होना रुक गया। अब हम कह रहे हैं कि हम प्रतिलोम पराशरण करेंगे, प्रतिलोम पराशरण मीन रिवर्स। तो बिल्कुल नाम जैसा है वैसा ही इसका काम भी है। तो प्रतिलोम पराशरण की वह न्यून अधिकतम आवश्यक दाब जो पराशरण की घटना को रिवर्स कर दे, अर्थात जो पराशरण दाब है, अगर हम पराशरण दाब लगाया तो यहाँ पे जो विलायक के रूप की गति रुक गई, लेकिन इस दाब को अगर और बढ़ाएं, इस दाब को अगर हम और बढ़ाएं, मीन दाब को हम क्या करें, इंक्रीज करें। तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे, जो विलायक के अणु थे वो बी से ए की तरफ गति करने लगेंगे, विलायक के अणु बी से ए की तरफ गति करने लगेंगे, और यही क्या रिवर्स हो गया, घटना रिवर्स हो रही है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रतिलोम पराशरण, कि वह आवश्यक दाब जो पराशर दाब से अधिक हो, पराशर दाब से अधिक हो तथा जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन से विलायक की तरफ गति करने लगे, विलयन से विलायक की तरफ गति करने लगे, पराशर दाब कहलाते हैं। जैसे इसका उपयोग हम करते हैं जल को शुद्ध करने में, जैसे आप सबके घर में वाटर फिल्टर्स होंगे तो उसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं झिल्ली, जो बारीक पतली सी पन्नियों की परत होती है जिससे पानी का फ्लो होता है और वो आपके बड़े कणों को फिल्टर करता है। तो उसी प्रकार हम पराशरण दाब, प्रतिलोम पराशरण या रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। आइए देखते हैं ये घटना कैसे होती है। अगर हम बात करेंगे लवणीय जल, तो ये हमारा एज ए विलयन है यहाँ पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, विलयन, और शुद्ध जल ये हमारा क्या है, विलायक है। बीच में हमारा एसपीएम मान लीजिए सेलुलोज एस्टेट, कृत्रिम रूप से यही सी अल्पारगम झिल्ली का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, सेलुलोज एस्टेट की एक पतली परत है। अब सामान्य रूप से क्या होगा कि विलायक के अणु शुद्ध जल से लवणीय जल मीन समुद्र का जल जैसे साफ करना है की तरफ गति करेंगे सामान्य अवस्था में, परंतु हमने क्या किया, दो टैंक लिए और एक खारे पानी की का जो टैंक है उसमें हमने दाब को बढ़ाया। तो जैसे जैसे खारे पानी के दाब को बढ़ाएंगे, यहाँ पे पिस्टन रहा है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी की बुक पे पेज नंबर 56 पे दिया है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। तो पिस्टन में हम यहाँ पे दाब बढ़ा रहे हैं, दाब इज ग्रेटर देन पाई, इतना दाब लगाएंगे कि पराशर दाब से अधिक हो। तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे, तो अब यहाँ पे लवणीय जल में हमारा जो विलायक है और विलेय है, विलेय नमक है यहाँ पे, अब इस लवणीय जल से विलायक के अणुओं का गति शुद्ध जल की तरफ होने लगेगा, लेकिन घटना रिवर्स हो रही है। देखिए हमने पराशरण में देखा कि तनु से सांद्र की ओर गति हो रहा था, पराशरण में तनु से सांद्र की ओर गति हो रहा था, और इसमें गति होगा सांद्र से तनु। तो एग्जैक्ट रिवर्स है पराशरण की घटना से, प्रतिलोम पराशरण बिल्कुल उसका विपरीत है, कि यहाँ पे सांद्र विलयन या लवणीय जल से हमारे विलायक जल का शुद्ध जल की तरफ गति करना ही इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम पराशरण, जिसके लिए हमें दाब को पराशर दाब से अधिक लगाना पड़ता है, अर्थात पराशर दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर गति, विलयन से विलायक की ओर गति करने की घटना को हम प्रतिलोम पराशरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं।
हैं जिसका उपयोग सामान्यतः जल शोधन में किया जाता है। इसके उपयोग से हम लवणीय जल को शुद्ध कर सकते हैं। कह सकते हैं कि समुद्र के जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, तो प्रतिलोम परासरण के माध्यम से हम लवणीय जल के दाब को बढ़ाएंगे। पिस्टन, जैसे हम हवा भरने की पंप होती है वो पिस्टन की तरह कार्य करता है, या इंजन से पिस्टन होता है प्रेशर देना, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे लवणीय जल के दाब बढ़ेगा और उससे विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली या SPM को पार करके शुद्ध जल की तरफ गति करेंगे और इस घटना को ही हम कहेंगे प्रतिलोम परासरण, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में, जल शोधन में। तो ये थे हमारे तीन टॉपिक्स, परासरण, परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण। हम समझते हैं आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे ये जरूर बताएं। हाँ, उसके पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा परासरण। परासरण में क्या था कि विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर गति, या तनु से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गति करने की घटना को हम परासरण कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली सामान्यतः जीव जंतुओं के माशय में, फलों के छिलके में, अंडे की पतली परत में जो सफ़ेद परत होती है छिलके के नीचे, और चमड़े, सामान्यतः सभी के चमड़े हमारे अर्धपारगम झिल्ली की तरफ व्यवहार करते हैं। आप उसे घर पर भी अज्यूम कर सकते हैं। एक बार अपने दोनों हाथ को एक सादे पानी में कुछ देर भिगो कर रखिए और एक खूब खारा पानी लीजिए, उसमें भिगो कर रखिए। जो शुद्ध जल में आप भिगो के हाथ रखेंगे वो हाथ थोड़ा सूज जाएगा, उसके चमड़े बहुत फूले फूले दिखेंगे, और जब खारे पानी में हाथ भिगो के रखेंगे उसकी आपकी उंगलियाँ सिकुड़ी प्रतीत होंगी, जो आप परासरण की घटना को देख सकते हैं। बटर पेपर, जो मक्खन के ऊपर एक पेपर आता है वो बटर पेपर होता है। दूसरा सेलुलोज एस्टेट या कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली होती है जो प्रयोगशाला के लिए बनाई जाती है। तो ये फिगर से हमने समझा किस प्रकार, अगर ये ग्लूकोज और जल का मिश्रण था, यहाँ पे ग्लूकोज के कम अणु दिख रहे हैं अर्थात तंग है, दूसरी तरफ ग्लूकोज के हमारे ज़्यादा अणु दिख रहे हैं जो कि सांद्र है। तो स्वतंत्र रूप से जब इन्हें अर्धपारगम झिल्ली से सेपरेट करके रखा गया तो विलायक में जल का ए से बी की तरफ गति, ए से बी की तरफ गति, इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। ये क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली से विलय के कण नहीं जा सकते हैं, सिर्फ विलायक के कण जो कि छोटे होते हैं वही गति करेंगे। ये घटना हमारी थी परासरण। दूसरी घटना आती है परासरण दाब। अब परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब जो विलयन पर लगाया जाता है, ध्यान रखें, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब जो विलयन पर लगाया जाता है, या दूसरी भाषा में सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, उस आवश्यक न्यूनतम दाब को हम परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब लगाने से विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर या तनु से सांद्र की ओर गति करने की घटना या गति करने का क्रम रुक जाता है, इस घटना को हम परासरण दाब कहते हैं। थर्ड आता है हमारा प्रतिलोम परासरण, कि अब हम दाब को क्या कर रहे हैं, परासरण दाब से ज़्यादा कर रहे हैं, कि परासरण दाब को हमने बढ़ाया, अब जो हमारे विलायक के अणु थे वो सांद्र से तनु की ओर, देखिए बी से ए, सांद्र से तनु की ओर गति करने लगे और इस घटना को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले परासरण होता है, फिर परासरण दाब पाई, जब हम परासरण दाब लगाएंगे तो परासरण अपना रुक जाएगा, और जब दाब को बढ़ाएंगे पाई से तो प्रतिलोम परासरण होगा, राइट। अर्थात जब हमने परासरण लगाया तो विलायक के अणुओं का गति रुक जाएगा, और जब दाब हमने ज़्यादा लगाया परासरण दाब का तो विलायक के अणुओं की गति सांद्र से तन होगी, और दाब कम रहेगा तो विलायक के अणुओं की गति विलायक से विलयन की ओर रहेगी। इन्हीं तीनों घटना, ये तीनों आपस में जुड़ी हैं, ये तीनों घटनाएं आप इनसे रेफर कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इनसे रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बिल्कुल पूछें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको रेफर करें। आगे हम अपने और अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आपको अच्छी मदद मिल सकती है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लासेस में हम इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आप अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनसे उनको भी मदद मिले और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार।